आगे का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार ने मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर रखा है। जी हाँ, लेकिन उनको मेरी एक राय है कि अगर वो NDTV छोड़ दें तो यूट्यूब पे आ जाएं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे क्योंकि यहाँ पे डॉलर में पैसे आएंगे उनको। हाल ही में मेरी रवीश कुमार से व्हाट्सएप पर बात हुई थी तो उनका कहना था कि हेलो जी, राम राम, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पर। आज है 24 अगस्त 2022, शाम की बज चुकी है 6:30। बहुत देर से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, आसपास का एरिया दिखा देता हूँ आपको, फिर अपने दुखी होने की वजह बताता हूँ दोस्तों। अभी मैं गया हूँ अपने गाँव के तिंद्राधार में। यहाँ पर देखो कुछ लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पुलिस की भर्ती होने वाली है SI की, तो अक्सर यहाँ पर मैं जाता रहता हूँ। यहाँ से रोड का डिस्टेंस है करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर। यहाँ पर है सड़क, ये सड़क आपको दिख रही होगी, यहाँ पर है। इस तरफ का एरिया भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। इस तरफ भी दोस्तों घास का ही है, पूरा घास होती है इस तरफ पूरा। अगले अगले महीने क्या 15-20 दिन बाद घास कटनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सूरज की जो अंतिम किरणें हैं वो पड़ रही हैं, आधी में छाया हो चुकी है, आधी में धूप है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गायें चर रही हैं दोस्तों। आगे का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार ने मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर रखा है। जी हाँ, NDTV के जो रवीश कुमार हैं उनके द्वारा मैं फेसबुक पर ब्लॉक हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जो सारी पोस्टें होती हैं वो मैं अपने फेक अकाउंट से पढ़ता हूँ। फेक क्या मतलब, ओरिजिनली है वो भी, दूसरे अकाउंट से पढ़ता हूँ। तो दोस्तों मेरे दुखी होने का कारण आज रवीश कुमार ही है। जब से मुझे ये पता चला कि अडानी ग्रुप ने NDTV के इतने शेयर्स खरीद लिए हैं कि अब NDTV के ऊपर अडानी का कहीं ना कहीं एक मालिकाना हक हो गया है, तो थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कुछ ऐसी आवाज़ें ज़रूरी हों जो सत्ता के खिलाफ मुखर हों, सत्ता के जो काम होते हैं उनकी बहुत अच्छी से समीक्षा करें, चाटुकारिता पर न उतर आएँ। आजकल तो देखने में मिलता है कि चाटुकारिता ही ज़्यादा हो रही है। कुछ कुछ लोग हो चाहिए जो बाल की खाल निकालें, उसमें से एक रवीश कुमार थे, लेकिन अब लगता है कि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे NDTV में। लेकिन उनको मेरी एक राय है कि अगर वो NDTV छोड़ दें तो यूट्यूब पे आ जाएं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे क्योंकि यहाँ पे डॉलर में पैसे आएंगे उनको, है ना। वैसे भी रुपये की हालत तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। जब हाल ही में मेरी रवीश कुमार से व्हाट्सएप पर बात हुई थी तो उनका कहना था कि पत्रकार लोग खुद परेशान हैं, कोई जेल जा रहा है, कोई जाने वाला है, कृपया आप हमारी ओर न देखें, किसी और को बोलें। दरअसल मैंने उनको ये कहा था कि जो हमारी सोमेश्वर अल्मोड़ा वाली रोड है, सोमेश्वर अल्मोड़ा कौसानी को जो जोड़ती है, उस रोड में बहुत गड्ढे हैं, उसकी हालत ख़राब है, कृपया इसको अपने NDTV वाले जो समाचार चैनल है उस पर चलाइए। तो उनका ये कहना था कि कृपया आप हमें ऐसे मैसेज ना करें, हम खुद परेशान हैं, पत्रकार लोग जेल जा रहे हैं, कोई जाने वाला है, कोई जा रहा है, आप किसी और को देखें। फिर हमने आज तक वालों को भेजी वो क्लिप, आज तक वालों ने ज़रूर उसे दिखाया। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के लिए रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी ज़रूरी हैं जो बाल की खाल निकालना जानते हो। भले ही उनका कई मुद्दों पर मैं उनके जो एजेंडे हैं उनसे खुश नहीं रहता, मतलब उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं वो समर्थन योग्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगना लोकतंत्र की हत्या ही है। फिलहाल दोस्तों आज का तो ब्लॉग थोड़ा अजीब सा हो गया। ये आपको बता दूं कि आप उत्तराखंड और पहाड़ के बारे में जानने के लिए, यहाँ की जीवन शैली, सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावे और रहन सहन के बारे में जानने के लिए मेरे ब्लॉग्स को, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ब्लॉगिंग उत्तराखंड से अपने गांव से करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे। अगर आप इन्हें 1-2 दिन या फिर 1-2 बार देखेंगे तो आपको इनकी एक आदत सी लग जाएगी और आपको लगेगा कि आप उत्तराखंड में ही हैं। तो फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मतलब मेरी बातें पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।